देश भर से जुड़े मेरे युवा साथियों, नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उन नौजवानों से जुड़ने जा रहा हूं जिन्होंने अपने विचारों को, अपनी कल्पना को एक आकार दिया है और उसके साथ सफलता की राह पर आगे बढ़े हैं। आप सब वो युवा उद्यमी हैं जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपने कौशल को अवसर से जोड़ा, अपना स्वयं का उद्यम शुरू किया और अपने जैसे और कई युवाओं को रोजगार भी दिया। आप वो युवा हैं जो तरक्की के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़े और जिनके बढ़ने से देश नए भारत की ओर दो कदम आगे बढ़ा है। यह सब उस बदलते भारत की पहचान है जहां हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। भारत एक युवा देश है जहां की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, बिलो 35। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और मैं मानता हूं कि यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा लक्ष्य रहा है कि यह डेमोग्राफिक डिविडेंड ही भारत का एक ड्राइविंग फोर्स बने और पिछले 4 वर्षों में हमने इसी दिशा में प्रयास किए हैं। सारी ऊर्जा हमने लगाई है हमारे युवाओं की ताकत और इनोवेशन को बल देने के लिए। हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी। हम जानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जरूरी है कैपिटल, करेज और कनेक्शंस, और ये 3 चीजें देश के युवाओं को मिले। इस योजना के तहत हमने इन बातों पर बराबर ध्यान केंद्रित किया है। पहले स्टार्टअप में ज्यादातर डिजिटल और टेक्नोलॉजी, इसी से जुड़े लोगों की चर्चा हुआ करती थी। हमने सबसे पहले इस मानसिकता को बदला और इसका हमने विस्तार किया और आज एग्रीकल्चर में स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप, सोशल सेक्टर में स्टार्टअप, यानी और हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप कमाल करके दिखा रहे हैं। पहले देखने को मिलता था कि ज्यादातर स्टार्टअप Tier 1 सिटीज में यानी स्टेट कैपिटल्स में केंद्रित रहते थे। हमने इसे Tier 2 और Tier 3 सिटीज तक ले जाने का प्रयास किया ताकि लोकल इनोवेशन को बल मिले। आज देश भर में स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा जाल बिछ गया है, आप लोग स्लाइड में देखते होंगे। और मुझे बताया गया कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत अभी तक 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज के करीब करीब 419 जिलों में, आप मैप पर देख सकते हैं, 419 जिलों में स्टार्टअप्स फाइल हुए हैं, जिनमें से 44% स्टार्टअप Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में है। अर्थात लगभग आधे स्टार्टअप मध्यम और छोटे शहरों और गांवों में विकसित हो रहे हैं। यह दिखाता है कि सिर्फ
बड़े शहरों के ही नहीं, छोटे छोटे शहरों के और गांवों के भी युवा इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और वो कर रहे हैं, अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आज देश में 45% स्टार्टअप ऐसे हैं जो महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए हैं। मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो महिलाएं मुझे दिख रही, बेटियां दिख रही हैं, एकदम खुश हो गई सुन करके। और खुशी की बात है कि आज एक स्टार्टअप एवरेज औसत 12 लोगों को रोजगार सृजित करता है, 12 लोगों को रोजगार देता है। इसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। महत्वपूर्ण स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत ने अपनी जगह बना ली है और वो सरकार की नीतियां उससे ज्यादा मेरे देश के नौजवानों का खुद पर भरोसा, कुछ कर गुजरने का इरादा और इन दोनों का मिलन ही है जो विश्व का ध्यान भारत के स्टार्टअप पे जा रहा है। आज देश में वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। आज हम सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे ही कुछ युवा उद्यमियों से बातचीत करने वाले हैं, उनके अनुभव सुनने वाले हैं और मैं स्वयं बहुत उत्सुक हूं। मेरे देश के नौजवानों का दिमाग, उनकी सोच, उनके आइडियाज, वो कैसे कैसी चीजें कर रहे हैं, मैं भी बहुत कुछ सीखना समझना चाहता हूं। आइए सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु। नमस्ते, मेरा नाम मेरा नाम कौशिक मुद्दा है। मैं एथीरियल मशीन्स का को फाउंडर हूँ। हम CNC राउटर और 3D प्रिंटर ऐसे मशीन्स बनाते हैं जिनके जरिए बाकी लोग खुद के लिए रोजगार बना सकते हैं और कोई भी युवक अपना आइडिया डिजाइन टू प्रोटोटाइप स्टेज पे ला सकता है। हमने दुनिया का पहला 5D प्रिंटर बनाया है जो 3D प्रिंटर से एक स्टेप आगे बढ़ के और भी कॉम्प्लेक्स चीजें बेहतर बना सकता है। भारत सरकार के DIPP के द्वारा हमें आयकर की छूट मिली है जिसका लाभ हमें इस साल मिलेगा। और दूसरी चीज, पेटेंट फैसिलिटेटर्स के मदद से हमने आज तक 6 पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइल किए हैं जिनमें 2 अप्रूव भी हो चुके हैं थैंक यू सर, थैंक यू। और आखिरी चीज में ये बताना चाहता हूं कि GES में मैं आपको हमारी मशीन से बनाया हुआ आपका स्कल्पचर लेके आया था पर आपको दे नहीं पाया, इसलिए आज मेरे साथ है और ये आपको देना चाहते हैं हम। चलिए, बहुत सुंदर बनाया है। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरे वाला इस पर फोकस करे तो लोगों को पता चलेगा कि मुद्दा ने कैसा काम किया है कौशिक ने। हाँ कौशिक, आगे कुछ कह रहे थे आप। हाँ सर, तो हाँ। दूसरी चीज जो सबसे हमें ज्यादा बचत मिली है हाँ। वो पेटेंट फैसिलिटेटर से, जब हम पेटेंट ड्राफ्ट करने जा रहे थे पहले DIPP के मदद के बिना, हमें एक पेटेंट फाइलिंग का तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लगता था और अब हमने 6 पेटेंट के लिए तकरीबन सिर्फ 18-20 हजार खर्च किया है और पेटेंट फैसिलिटेटर्स की वैरायटी भी इतनी है, यानी खर्चा कम हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। और समय कम हुआ कि नहीं हुआ? समय तो बिल्कुल कम हुआ है सर। एक्सपीडिशन का हमें, उसके लिए भी ज्यादा पैसे लगते थे पहले, एक्सपीडिशन पे भी हमें और फीस पे भी हमें रिबेट मिल रहा है। और इसके अलावा क्योंकि हम हार्डवेयर स्टार्टअप है, बहुत सारे लेबर लॉज ऐसे चीजों की हमें एग्जेम्पशन मिली है जिससे हमें ऑफिसर्स में जाना कम पड़ रहा है और हम अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। आपकी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस है आने वाले दिनों में कुछ नया लाने का इरादा है? बिल्कुल सर, और हम इसीलिए उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं और क्योंकि आयकर की छूट के साथ जो पैसे बचते हैं हम पूरा R&D पे लगाने वाले हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया।
अच्छा, मेरे साथ अविनेश इकम्बरम है। जरा यस सर, इकम्बरम जी अपनी बात बताइए। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। अभिनेश एकांबरम एंड माय कोलीग आदर्श इज हियर विथ मी. वी आर फ्रॉम ब्लैर मोटर्स. ब्लैर मोटर्स हैज डेवलप्ड अ पेटेंटेड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर मोटरसाइकिल्स. इट इज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी. सो एज स्टूडेंट्स इन कॉलेज वी स्टार्टेड, वी हैड द ड्राइव टू इनोवेट समथिंग एंड डू समथिंग डिफरेंट. सो वी स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली इन आर कॉलेजेस ट्राइंग आउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फाइनली वी डेवलप्ड दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. एंड रियलाइजिंग द यूनिकनेस एंड इनोवेटिवनेस इन दिस टेक्नोलॉजी, वी फाइल्ड द पेटेंट इन 2014. जनरली लाइक कौशिक सेड, द पेटेंट प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, इट्स एक्सपेंसिव एंड वेरी टीडियस टू. एज स्टूडेंट्स वी वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट एंड देन वी गॉट इंक्यूबेशन सपोर्ट फ्रॉम एनआईटी तिरुचिरापल्ली एंड फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन वी फाइल्ड अ पेटेंट लाइक How इन much? How much? How 2014. much support you got? 25 लाख सर. 25 लाख. It generally takes 5 to 7 years for a patent to get granted. So last year in 2017, we registered under Startup India, and through the SIPP scheme, the process of granting the patent got expedited. And after filing from 2014, it took just 6 months for the patent to get granted. So the duration of granting of patent got reduced, and we paid only the attorney actually quoted something around 1 lakh or something. But we ended up paying Since only eight to how ten many years thousand. your patent was pending? 2014, sir. So it was around 3 years it was pending. After registering in Startup India in 2017, it took only 6 months for us to get granted. Like I said, like Kaushik mentioned also, the cost also went down from about 1 lakh to around 10,000. So after the patent got granted, we got visibility from the big two-wheeler manufacturers of India. So new opportunities and doors started opening to us. The big manufacturers of two-wheelers started recognizing the worth of our technology. And currently we are in discussion with two or three big two-wheeler manufacturers to collaborate and bring this technology to the market. So Avinash, do and one after thing. that, Avinash, do one thing. Today yes, what sir. you are talking about your achievement and what I'm Yes, trying sir. to understand your innovation. Yes, sir. Do the one small clipping of this video conversation and send it Yes, to sir. all the mobile companies. Yes, sir. I will be your ambassador. Thank you, sir. Thank you, sir. And moving forward, we filed two other patents, sir, now. Last year, under the same SIPP scheme, I think it will get granted in less than a year now. So our vision is to build an indigenous Indian technology company which provides innovative solution to technological problems. So we assure you that we'll work harder to innovate and bring in more new indigenous Indian technologies to help make lives of Indian people better. Wow, great. Congratulations to both my young friends. Thank you, sir. Thank you. Who else is want to say something? Sir, I'm Niveda, and I'm the founder of Trashcon Waste Management. तो हमने विश्व में पहली और वो भी भारत में क्या क्या ऐसा नाम क्या बताया बनाया बेटा नाम क्या बताया ट्रैशकॉन ट्रैशकॉन या तो हमने विश्व में पहली बार और वो भी भारत में एक ऐसा मशीन बनाया है जो मिक्स्ड वेस्ट ले सकता है एंड ये वो वेस्ट है जो आपने कल बोला था कि ओशंस में गिरता है जो लैंडफिल्स में स्पेस नहीं है तो हमारे स्ट्रीट्स में गिरता है एंड इट गेट्स बर्न्ड लीडिंग टू एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन छोड़े से लोग चल नहीं पाते हैं बच्चे खेल नहीं पाते इन द प्ले ग्राउंड तो हमने एक ऐसा मशीन बनाया है जो ये मिक्स वेस्ट ले सकता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन सर अराउंड मतलब 10 टन के लिए इट इज नॉट मोर देन 20 लैक्स बट ये हर मतलब आप बायोगैस या बायो सीएनजी देख लीजिए 1 टन के लिए 1 करोड़ लगता है तो दिस मशीन कैन ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट दैट मिक्स्ड वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू एन एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप मेन्योर कॉम्पोस्ट बायोगैस बना सकते हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आप तो पता है रिसाइकलिंग कर सकते हो और हमने वो ऐसा डिजाइन किया कि हर वार्ड में लग सकता है सर हर सिटी में एंड देयर बाय डिसेंट्रलाइज हो सकता है एंड इट कैन ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्टेशन बाय 70% तो हमने बहुत फंडिंग मिली है इसलिए मैं 22 इयर्स में बहुत बहुत बधाई हो आपके उत्साह के लिए तुहिन भौमिक तथा अरुण चंद्र राजा
Hello, sir. Good morning. I am Arun Chandru, and I am from a company called Pandorum Technologies. And we are into the space of tissue engineering and regenerative medicine. So, we are trying to do R&D of manufacturing human tissues and organs, starting with human cornea and human liver, actually. So, right now, the scenario is that in the country, over 2 lakh people require corneal transplants, and about 20,000 happen because of the acute shortage of available corneas. So what we are, our approach is actually to manufacture or grow these corneas in the lab, and which will be suitable for the transplantation. So we are presently working with a couple of hospitals in this regard, and with Asia's largest eye hospital. I think iske liye to bahut paisa investment laga hoga aapko bhai, kyunki bahut bada kaam kar raha hai. हाँ जी, दिस इज एक्चुअली यस, इट इज इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंसिव काइंड ऑफ वेंचर एक्चुअली. सो वी आर एसेंशियली फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड वी हैव बीन सपोर्टेड बाय द ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड प्रोबेबली विदाउट द स्टार्टअप इकोसिस्टम विच इज सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट एसेंशियली इज द यू नो काइंड ऑफ द प्राइम क्राइटेरिया फॉर अस टू इवन एग्जिस्ट. सो वी स्टार्टेड इयर्स यू आर ट्राइंग फॉर दिस. We actually have been working for the past 6-7 years, sir, actually, on this. And we are at a stage wherein we can say that the cornea, our cornea pipeline will be going to the regulatory, this thing, in another 3 to 6 months time. Congratulations. And this should... Thank you, sir. Thank you. And this should be able to address the, you know, kind of the healthcare issues of the country, actually. And, you know, certainly, particularly some of these extreme technologies which require longer term government support, actually, we are very grateful to the support which we have received from the government. चलिए, मैं समझता हूं कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले तंत्र को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उनके लिए फंड आसानी से उपलब्ध हो. जैसे चंद्रू ने बताया कि 10 करोड़ रुपया एक विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स, निधियों का कोष स्थापित किया है. अब तक इसके तहत करीब करीब 1200-1300 करोड़ रुपये की राशि की कमिटमेंट वेंचर कैपिटल फंड से को दी गई है, जिन्होंने स्वयं तथा बाजार के संसाधनों से कुल करीब करीब 7,000 करोड़ रुपये की धनराशि स्टार्टअप्स में निवेश के लिए जुटाई है. जब ये वेंचर कैपिटल फंड्स अपना कलेक्शन पूरा कर लेंगे, तब यह धनराशि करीब करीब 14,000 करोड़ रुपये की हो जाएगी. इस प्रकार 10,000 करोड़ रुपये का यह फंड ऑफ फंड्स मैच्योरिटी पर स्टार्टअप्स के निवेश के लिए लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराएगा. सरकार की यह पहल, ये इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स के लिए जरूरी वेंचर फंडिंग में एक बहुत बड़ा योगदान है. अभी जब हमने भाई कौशिक को सुना, अभिनेश को सुना, या डॉक्टर तुहिन हो या अरुण चंदू हो, ये बात की तो पता चला कि जो देश में जो रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, सरकार उन्हें कई तरह के लाभ दे रही है. और जब मैं नौजवानों के मुंह से सुन रहा हूं, और सरलता के कारण, स्पीड बढ़ने के कारण, क्लियरेंस जल्दी मिलने के कारण उनको काम की कितनी सुविधा हो गई है, और आपको जानकर खुशी होगी कि व्यवसाय करने को आसान बनाने, पूंजी जुटाने और नियमों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए 21 विनियामक यानी रेगुलेटरी चेंजेस को हमने लागू किया है. स्टार्टअप्स अपना प्रोडक्ट सरकार को बेच सकें, इसके लिए सरकारी खरीद संबंधी नियमों को भी हमने एकदम आसान बना दिया है. पहले सरकार खरीदी के लिए टेंडर की शर्तों में होता था कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, करोड़ों रुपये का टर्नओवर हो, लाखों रुपये अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करने पड़ते थे. अब मैं हैरान हूं, जब को मौका ही नहीं मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस कहां से मिलने वाला है.
और इसलिए मैंने सारे नियम बदल दिए और ये सारी शर्तें हटा दी गई है। एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टअप की स्टोरी, एक जमाना ऐसा था कि स्टार्टअप की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एंड हो जाती थी। स्टार्टअप्स को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GEM, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी इसको इसके साथ जुड़िए, उससे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को जोड़ा गया है। स्टार्टअप्स को 7 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए आयकर इनकम टैक्स से भी छूट प्रदान की गई है। तो स्टार्टअप्स के लिए 6 लेबर लॉज, 6 श्रम कानूनों और 3 एनवायरमेंट के रिलेटेड कानूनों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दे दी गई है। नौजवान पे भरोसा करो, मेरा ये मत है कि सरकार जाकर के सब पूछ करे, उसके बजाय वो अपने आप बता दे कि भाई मैंने ये कर लिया है, हमने मान लेना चाहिए। ये बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। और जब देश की जनता पे भरोसा करते हैं, देश के युवा पर भरोसा करते हैं और सरकार किचकिच करना बंद करती है तो कैसे परिणाम आते हैं वो मैंने अभी सब बेंगलुरु के हमारे नौजवानों से देखा। आइए उत्तराखंड, हिमालय की गोद में, देहरादून में, वहां के हमारे साथियों से सुने वो क्या कह रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फोक्स टेक्नोलॉजीज एवं समस्त, क्या क्या शुभ नाम भैया? सर मेरा नाम रजत जैन है। रजत, हाँ बताइए। मैं सन फोक्स टेक्नोलॉजीज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी और सबसे सस्ती ECG मशीन विकसित की है। आप देख सकते हैं, आप इस ECG मशीन को एक माचिस की डब्बी के अंदर रख सकते हैं और बिना किसी डॉक्टर की सहायता के या फिर बिना किसी एक्सपर्टाइज के आप लोग जान सकते हैं कि जो दिल की समस्याएं हैं उनका कैसे हम लोग उनको जान सकते हैं। ये बुजुर्गों के दिल की समस्या कि नौजवानों के दिल की समस्या? सर विश्व में हृदय रोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मौत मृत्यु का कारण है, तो यंगस्टर्स में भी दिल की समस्या बढ़ रही है। किसी की भी अगर हम लोग हार्ट का स्टेटस जानना चाहें तो हम इस मशीन को यूज कर सकते हैं। रजत कब से काम कर रहे थे इस पर? सर हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इस पे काम करना स्टार्ट किया 2016 में। सो स्टार्टअप नीति का ही ये परिणाम है कि हर एक ग्रेजुएटिंग यंगस्टर अब अपना स्टार्टअप, अपना उद्यम करने का सोच सकता है, क्योंकि इससे पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी कि क्या स्टार्टअप होता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर ये एक सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी बन के रह गया था। पर स्टार्टअप नीति शुरू होने के बाद ही सब लोगों को पता चला कि स्टार्टअप आप भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें कितना सपोर्ट कर रही है। हम लोगों आपने इतना बड़ा इनोवेशन किया रजत, और मैं मानता हूँ जो डॉक्टर लोग आज शायद कार्यक्रम देखते होंगे वो तो शायद आज तुम्हारा ईमेल पर कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए, इतना बढ़िया सा अगर आपने काम किया है, और जो देख के ही मुझे तो बड़ा सरप्राइज हो रहा है। सर हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें हमें विनर भी चुना गया और उसके लिए हमें कैश धनराशि भी प्राप्त हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कितना कितना मिला? सर हम लोगों को 50,000 कैश प्राइज मिला और इंक्यूबेटर की तरफ से हम लोगों को 25 लाख रुपीज सीड सपोर्ट भी मिला। अरे वाह। हम लोगों ने बिना ऑफिस से बाहर कदम रखे 6 महीने के अंदर 10 से ज्यादा ट्रेडमार्क लिए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के तहत, और जो कि एक हम लोगों को 80% से ज्यादा उसमें रिबेट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं एक अनुभव करता हूं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, शुरुआत में परिवार से इतना रेजिस्टेंस आता है, क्यों अपना समय बर्बाद करता है, पढ़ाई करो, दिन भर खेलते रहते हो, जब तक वो एक पोजिशन पर नहीं पहुँचता है घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ किसी जमाने में स्पोर्ट्स के ये हाल थी। कभी कभी मुझे लगता है स्टार्टअप का भी कभी कभी ये अनुभव आता है, क्योंकि जो बच्चों के दिन में ये स्टार्टअप घुस जाता है, खाने का ठिकाना नहीं, नहाने का ठिकाना नहीं, रात को सोने का ठिकाना नहीं, 2400 घंटे लैब में बैठे रहते हैं, तो माँ बाप भी गुस्सा करते होंगे, नाराज हो जाते होंगे, ये कहते हो तुम क्यों पढ़ाई के बाद ये क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसा होता है क्या रजत?
हाँ सर बिल्कुल होता है, पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी से पूरे देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो माता पिता को भी लगता है कि कुछ अच्छा है, एटलीस्ट कुछ करने जा रहा है, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है तो कुछ कर ही लेगा जिंदगी में। चलिए। हाँ सिद्धार्थ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ अरोड़ा और मैं टाइड्स बिजनेस इंक्यूबेटर आईआईटी रुड़की में इंक्यूबेटेड हूँ। सर हमारा स्टार्टअप फार्मर से एग्रो वेस्ट खरीदता है और एक नई टेक्नोलॉजी से एंजाइम प्रोडक्शन करता है। एक एंजाइम जिसका नाम है फाइटेज, उसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो हम पोल्ट्री कैटल और फिशरीज फीड में सप्लीमेंट करते हैं, जिससे ना ही उनका फीड सस्ता होता है बल्कि एनिमल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस काम से सोशल और एनवायरमेंटल पे दोनों में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि फार्मर्स की आय बढ़ रही है और कैसे जो यानी जलाने फार्मर फार्मर इसको एडॉप्ट कैसे करता है, उसको नीचे तक कैसे पहुंचाते हैं? नहीं सर, फार्मर से हम लोग एग्रो वेस्ट खरीद रहे हैं, जो जो एग्रो वेस्ट अभी फार्मर्स जला रहे हैं जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, जो वेस्ट वेस्ट होता है वो हम फार्मर्स से खरीद रहे हैं। और एक टेक्नोलॉजी है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, जो कि हमने अपनी पीएचडी में डेवलप करी थी, वो यूज करके हम एंजाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ और सर मैं कहना चाहूंगा सर, स्टार्टअप भारत सरकार का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उससे हमें बहुत मदद मिली है। मेरे जैसे बहुत सारे यंग एंटरप्रेनर्स, उनको मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट और कनेक्टिविटी, मार्केट एक्सेस, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। अब तक कितने लोग आपके साथ इसमें जुड़े हैं? सर अभी 20 किसान हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। इस काम में नौजवान कितने आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको अब लगा कि चलो मैं एक नया काम कर रहा हूं, ऐसे कोई नौजवान जो आपके साथ जुड़ गए हैं? सर हमारी टीम आईआईटी रुड़की में अभी 7 लोगों की है। अच्छा। हाँ और बाकी हमने बहुत सारे किसानों से जो है वो इंडायरेक्ट हम किसानों को हमारे विश्वास साथ बैठ जुड़े रहा है, हैं। जो 10-12 किसानों से आप लोग अभी काम कर रहे हैं, उनका जी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि हाँ ये एक तरीका है जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद भी हम इनकम का रास्ता खोज सकते हैं और हम प्रोडक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा विश्वास उन 10-12 किसानों में आया है? जी 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 सर, उनकी आय बड़ी है। पहले किसान जिसकी 2 एकड़ जमीन थी उसको 80,000 रुपये मिलते थे, अभी उसकी आमदनी 20,000 और बढ़ गई है जब हम वो एग्रो वेस्ट उससे ले रहे हैं, अच्छा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आपको आर्थिक रूप से कठिनाई आई होगी? जी सर आर्थिक रूप से पहले कठिनाई आई थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरे को सपोर्ट मिला है। मुझे बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट मिला है जिसके अंडर मुझे 47.5 लाख का सपोर्ट मिला है, अच्छा उसके लिए मैं बहुत आभारी। चलिए आपको आगे बढ़ना है। स्वाति नमस्कार माननीय नमस्ते। प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मैं तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून से हूँ। मेरा स्टार्टअप एक मेंसुरेशन पेन रिलीफ डिवाइस का है। फीमेल्स में अक्सर मेंसुरेशन या पीरियड्स के टाइम में लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन अकर होता है। छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं तक ये पेन अकर होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये डिवाइस है बेसिकली। और अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इतना पेन किलर नहीं खाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है, तो वो पेन किलर्स बड़ी भारी मात्रा में लेती हैं महिलाएं और लंबे इंटरवल तक लेती हैं क्योंकि हर महीने ये चीज होती है। तो उसके कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए मैंने ये डिवाइस प्लान करी है। इसको हम गांवों में जाकर के लोगों को बताना चाहते हैं कि पेन किलर्स का कंजप्शन आप कम करो, क्योंकि ये बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देता है, आपकी किडनी फेल, हार्ट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में केमिकल घुसते हैं तो बॉडी के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको खराब करते हैं। तो सर इसी के लिए ये डिवाइस प्लान की गई है। अभी स्टार्टअप इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिला। मैंने भी स्टार्टअप इंडिया कॉम्पिटिशन के थ्रू ही ग्रैंड जीता था और उसके थ्रू मैंने प्रोटोटाइप बनाने पे काम किया और धीरे धीरे मुझे मेंटरिंग सपोर्ट स्टार्टअप इंडिया से मिलना शुरू हुआ। पहले मुझे बिजनेस कैसे करते हैं, एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि सामना करना पड़ता है कि कोई आपके आइडिया को एंटरटेन नहीं करता इतनी जल्दी। आप कुछ बोलना चाहते हो लोग घर समझ में नहीं भी पाते सामना करना पड़ता होगा। सब जगह सर कोई ऐसे एंटरटेन नहीं करता, मीन्स थोड़ा टेक्निकल है तो सब लोग कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है या कोई और कर लेगा या इस तरीके से। पर स्टार्टअप इंडिया से मुझे बहुत मेंटरिंग सपोर्ट मिला,
धीरे धीरे मैंने बिजनेस वर्कशॉप्स और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, कैनवास बिल्डिंग और जो भी, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसा ही और प्रोडक्ट डेवलप है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, ये सारी चीजें मुझे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू पता चली। उसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन का, इसका भी वर्कशॉप अटेंड करने को मिला। तो इन सारी चीजों से कड़ी दर कड़ी जुड़ करके एक प्रोटोटाइप लेवल पे मैंने इसे शुरू किया और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तक ले जाने के लिए भी स्टार्टअप इंडिया का बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो हर स्टेप पे मदद करता जा रहा है। और ये एक हेल्थ केयर डिवाइस है और फीमेल्स के लिए बहुत ही कारगर है, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा हो और आगे लोगों को मदद करे। स्वाति, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और आप तीनों सर, को मैं आपका शुक्रिया आप तीनों को सुन करके शुरू किया। आपको तीनों को सुन करके नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई क्यूरियोसिटी इनोवेशन के लिए प्रेरणा होती है और आवश्यकता है वो इनोवेशन की जननी होती है, लेकिन मैं आपके तीनों के रिसर्च को देख करके मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, सिर्फ आवश्यकता नहीं, लेकिन संवेदना भी होती है जो नया खोजने के लिए, नया करने के लिए प्रेरणा दी। आपके तीनों के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें एक सेंसिटिविटी है। आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों वाला नहीं है, नाम कमाने वाला नहीं है, आप सचमुच में समाज को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को, उसकी जिंदगी में बदलाव लाने के कुछ करना चाहते हैं। बस सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी रजत बता रहे थे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में उनको फीस में छूट मिली। ट्रेडमार्क के लिए पहले 75 फॉर्म भरने होते थे, लेकिन अब सिर्फ 8 फॉर्म रह गए हैं। अगर ट्रेडमार्क के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फीस में 10% और छूट दी जाती है। अब ट्रेडमार्क से जुड़े विवादों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी सुनिश्चित की जा रही है। इससे टाइम भी बच रहा है और प्रक्रिया में भी तेजी आई है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 3 साल में 3 गुना बढ़ गया है। खुशी होगी मेरे सारे देश के नौजवानों, 2013-14 में, यानी मेरे आने से पहले, लगभग 68,000 ट्रेडमार्क रजिस्टर होते, यानी 70,000 से कम, और अब ये आंकड़ा 2.5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। वही पेटेंट रजिस्ट्रेशन में भी एकदम से तेजी आई है। वर्ष 2013-14 में, हमारे आने से पहले, जहां 4,000 के करीब पेटेंट्स रजिस्टर होते थे, वहीं इस वर्ष फरवरी तक 11,500 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर हुए हैं। यानी पहले की सरकार के मुकाबले करीब करीब 3 गुना 4 गुना काम, चाहे वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन का हो या कोई डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन का हो, ये काम हो रहा है। स्टार्टअप्स को मुफ्त लीगल हेल्प के लिए फैसिलिटेटर्स नामित किए गए हैं। इस स्कीम के कारण पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय में बहुत कमी आई है, और मैं समझता हूं कि ये सारी, जैसे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सरकार ने भी एक इको सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया है। आइए चलते हैं, अब देहरादून से हम गुवाहाटी की तरह, पूर्वी हिंदुस्तान भी बहुत आगे बढ़ रहा है इन दिनों, गुवाहाटी के नौजवान बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेमेंद्र दास। हाँ हेमेंद्र दास, हाँ जी बताइए। आई एम को-फाउंडर ऑफ इनोटेक इंटरवेंशंस प्राइवेट लिमिटेड। वी आर बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपर एंड ट्रांसलेटर इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड सर्टेन एग्रो प्रोडक्ट्स। व्हाट वी बिलीव इज दैट नो पॉल्यूटेंट्स आर रिसोर्स एट द रॉन्ग प्लेस। It's a resource at the wrong place. So we have to look for resource at the pollutants. I mean, you might be aware, no, when we produce crude oil, we produce a lot of water.
About 85% of water is produced, and as the oil field becomes aging, this water production goes up. This is highly saline paleo sea water, a lot of hydrocarbons are there. So this water is normally a big issue for disposal by petroleum companies, and it is treated and dispersed. So now we have developed a bioelectrochemical system whereby we can take out some alkali as well as sulfur from that product and make it amenable for disposal. Mm-hmm. So, sir, we are very happy to inform you that for this particular technology, we received award in the India-Israel Innovation Challenge organized by DIPP. Thank you, sir. Thank you. We received the cash prize of 5 lakhs, and we have got an opportunity, which we are always looking for, to go to Israel, the startup nation, to interact with those people, collaborate with them, and bring certain technologies, which I am sure for our country, and maybe we can collaborate with our research organization also. Sir, apart from this, right now we are doing a field trial with help of startup fund from Oil India Limited. They are very, he has given us about 75 lakh rupees to do in their field. That project job is going on. And our next step is to go for a 5,000 liter unit at a pilot scale. We hope petroleum industry will come up and help us out. We are absolutely sure this will be an internationally high in demand technology. So far, we have engaged about 14 people with us. And this number is going up quite a bit. ये इजराइल वाले चैलेंज रूट में जब आपको यश मिला शायद कोई प्रियांशु करके भी आपके साथ काम करता था हाँ जी प्रियांशु could not come today because he was not well his wife was not well so he could not come क्या हुआ सर उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट घर में थोड़ा सा चलिए हमारी तरफ से प्रियांश को कहिए अपनी अपनी बीवी की तबीयत ठीक कर दे और वहाँ कुछ इनोवेशन में डर लग जाए Absolutely, sure. Thank you so much. Thank you. आपको इतने सारे इनाम मिले हैं राइट सर आपके और ऑयल सेक्टर में इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं राइट सर आर्थिक रूप से कुछ संकट आते होंगे उसमें कोई मदद मिल रही है क्या इनाम तो आप प्राप्त कर रहे हैं और इंटरनेशनली जाकर के आप कर रहे हो राइट सर No, in, मतलब जो 5 lakh rupees मिला है that's a big help for us because we don't have a deep pocket. And secondly, Oil India Limited is very you know helpful to us to provide a grant of 75 lakh rupees अच्छा. to at least fill. यानी so आपको आपको 75 lakh rupees दिया है. Right sir. चलिए. यानी आपका पूरा भरोसा है कि स्टार्टअप का जो हम बल दे रहे हैं सरकार उस इकोसिस्टम के लिए जो भी कमियां हैं दूर करती चली जा रही हैं अभी भी हो सकता है कोई नई नई समस्या आएगी तो उसको भी दूर करेंगे लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि इसमें हमारे नौजवान जो जो आपके काम को देखते होंगे राइट सर उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है क्या और 10 लोगों को स्टार्टअप के लिए आगे आने का मन कर रहा है क्या एब्सोल्युटली सर इनफैक्ट इन नॉर्थ ईस्ट यू मे बी अवेयर दैट स्टार्टअप इज एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी लेस So we thought, let us be a role model. Let us, you know, show it to people that we can create wealth. So that they can come and in fact people are now it's become a contagious disease people are do coming up asking us how to go about it so many problems are there and so many solutions we can think of sir we really congratulate you for this startup india mission that you have taken up it's thank a you. Really helpful for thank all the you people. Sabhi guwahati ke sab naujawan bahut hi abhinandan ke adhikari hain aur pichle varsh humne israel ke sath milkar india israel innovation challenge shuru kiya tha और इससे भारत और इजराइल में स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच प्रौद्योगिकी और बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और आपने इसका फायदा उठाया हम कंपटीशन से क्रिएटिविटी को निखारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कंपटीशन के माध्यम से इनोवेटिव आइडियाज को सामने लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं इसी उद्देश्य से अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं इसके तहत सेक्टर वाइज इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे बिजली की स्टोरेज को कैसे प्रभावी बनाया जाए शुद्ध पीने के पानी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे किसानों की लागत कम और आय अधिक कैसे हो ऐसे अनेक विषयों को लेकर कंपटीशन कराए जा रहे हैं इस वर्ष अप्रैल में ही 17 अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किए गए हैं इसके तहत सफल होने वालों को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत
एक करोड़ रुपए तो ग्रांड चैलेंज जीतने वाले को 30 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने युवाओं के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू किया है। पिछले 2 वर्षों में सैकड़ों समस्याओं का डिजिटल समाधान इस हैकाथॉन के माध्यम से देश को मिला है। इस वर्ष इस कंपटीशन में 1 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं पिछले सप्ताह सिंगापुर गया था। आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सिंगापुर बहुत कुछ काम कर रहा है, तो मैंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से जब कहा ये हमारे हैकाथॉन वाला कार्यक्रम, और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के नौजवान और सिंगापुर में जो इतने वर्ल्ड क्लास इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस है दोनों मिलकर के हैकेथॉन करें, उन्होंने हाँ कहा है। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है, तो मेरे देश के नौजवान और सिंगापुर के नौजवान, सिंगापुर की इकोसिस्टम, हिंदुस्तान की इकोसिस्टम, आइए हमसे थोड़ा जो आगे है उसके साथ ही मुकाबला करें ताकि हमें आगे जाने की हिम्मत आ जाए। तो ये हैकेथॉन का कार्यक्रम शायद 18-19 में करना संभव हो जाएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हाँ कहा है। हमने कृषि मंत्रालय के माध्यम से एग्रीकल्चरल ग्रांड चैलेंज शुरू किया है ताकि कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो है उनको प्रोत्साहन मिले। बिजनेस प्लान से लेकर फंडिंग तक स्टार्टअप्स को दिक्कत ना आए, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया है। यह वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां स्टार्टअप्स और इसके पूरे इकोसिस्टम से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। ये हिंदी, इंग्लिश सहित कई स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर 250 से अधिक निवेशक हैं, लगभग 150 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स हैं और आप 10 सरकारी एजेंसियों के साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 88,000 से अधिक लोगों ने सवालों और समस्याओं का समाधान प्राप्त किया है। यह एक तरह से एक ऐसा हब बन गया है जहां स्टार्टअप से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। स्टार्टअप्स के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध है, एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक लर्निंग प्रोग्राम भी बनाया गया है जो उद्यमियों को आइडिया से शुरू करके प्रभावी व्यावसायिक योजना बनाने में मदद करता है। लाखों लोगों ने इस लर्निंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराया है और पेटेंटिंग से स्टार्टअप यानी मेक इन इंडिया, इनोवेशन और पेटेंटिंग के साथ ही प्रोडक्शन पर हमारी सरकार पूरा जोर दे रही है ताकि वो स्केलेबल हो, वो कॉमर्शियली वायबल हो। मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आपको सिर्फ एक सेक्टर का उदाहरण दूं तो आप पूरी तस्वीर समझ पाएंगे। 4 साल पहले हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी, सिर्फ 2। आज 120 फैक्ट्री हैं जो मोबाइल फोन बना रही हैं और देश के हजारों लाखों नौजवान उसमें काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे स्टार्टअप्स। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं, मेक इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन इन इंडिया भी होना बहुत समय की मांग है, आवश्यक है। जब चीजें डिजाइन हमारे भारत में होंगी, यहां इनोवेशन होगा, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ भी इस देश को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा।
स्टार्टअप सिर्फ नाम नहीं है, इसे हम युवाओं की सोच बनाना चाहते हूं। और मैं चाहूंगा कि जिन नौजवानों ने, और गुवाहाटी में देखिए किस प्रकार का काम किया है, और दुनिया में जाकर के उन्होंने अपना डंका जमा दिया। रायपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के नौजवान मेरा इंतजार कर रहे हैं, आइए रायपुर क्या कहना चाहता है। हाँ बताइए। नमस्कार, नमस्कार। मैं राजीव रॉय हूँ 36 INC से, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का इंक्यूबेटर है। यहाँ पे हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हैं, कोवर्किंग स्पेस, मेंटर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स को देते हैं, मार्केट कनेक्ट कराते हैं लोगों की। वन ऑफ द यूनिक थिंग्स अबाउट आवर इंक्यूबेटर, कितने साल से शुरू किया आप लोगों ने? जी एक साल भी नहीं हुआ है। अच्छा। एक साल के अंदर ही हमारे 43 इंक्यूबेटर्स हो गए हैं, जो कि कुल मिला के 300 से ज्यादा नौकरियां यहाँ पे स्थापित कर चुके हैं। सो यहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 300 से ज्यादा कर चुके हैं ये लोग। हमारी एक यूनिक चीज है हमारी इंक्यूबेटर की, कि हम एक मॉल में स्थित हैं। तो मॉल में स्थित होने के कारण बाहर की जनता देख रही है कि स्टार्टअप्स देश के लिए क्या कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी अपना काम प्रदर्शित कर सकते हैं आराम से लोगों के सामने। हमें सपोर्ट मिला है अटल इनोवेशन मिशन के तहत, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, ट्रेनिंग मिला है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने का एक अच्छा ही माध्यम मिल गया है। यानी इसका मतलब हुआ कि आप एक अच्छी बैकबोन के रूप में एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क खड़ा किया है जो ऐसे नौजवानों के लिए बहुत अवसर देता है। क्या आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या 10th और 12th के स्टूडेंट एक विजिटर के रूप में आने की कोई परंपरा खड़ी की है आपने? क्योंकि मैं मानता हूँ जो भी वहाँ आएगा, आपसे बातें करेगा, आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये भी एक क्षेत्र है, और उसके मन में कोई आइडियाज आते होंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में फिर आपका साथ जुड़ने के लिए आगे आ सकता है, ऐसा कुछ सोचा है क्या? जी हमारे साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लोकली 13 इंस्टीट्यूट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, NIT, IIM के साथ साथ। वहाँ के बच्चे आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, अपने आइडियाज लेके आते हैं, और बहुत सारे हमारे इंक्यूबेटर्स ऐसे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन से ही हैं। और कौन से महत्वपूर्ण काम है जिसको आप कह सकते हैं, हाँ ये आपका एक साल के भीतर भीतर इन चीजों में आपने कुछ विशेष किया है? जी ऐसा है कि जो दूसरे सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि बैंगलोर देख लीजिए या तो फिर सिलिकॉन वैली देख लीजिए, वहाँ पे जो इनोवेशन होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो उनके क्षेत्र के लिए सही है। हमारे क्षेत्र के लिए एक अलग किस्म का इनोवेशन चाहिए था। हम प्राइमरली रूरल हैं, हमारी हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो इनोवेशन है, जो एंटरप्राइजेस हैं, वो इसे बेस बना के आगे चली हैं। वेदर माइनिंग सेक्टर हो या रूरल सेक्टर हो, हमारी सब इनोवेशन उसी सेक्टर्स पे आधारित है। खैर मैं इससे सहमत हूँ, और वही होना चाहिए कि जहाँ जो पोटेंशियल है उसी को टैप करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा परिणामकारी होता है और स्थितियों को बदलता है। तो मुझे आपकी जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही प्रॉपर है, ऐसा मैं मानता हूँ। ब्लॉकचेन के क्षेत्र में क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? जी ब्लॉकचेन के क्षेत्र में भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। एक दो काम जो यहाँ पे अभी आगे बढ़ चुके हैं, एक है कि एक स्टार्टअप है जो विजिटर रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल विजिटर रिकॉर्ड्स, जो होटल्स वगैरह में जब लोग आते हैं चेक इन करते हैं, उसको रखने का काम कर रही है। और कुछ है जो कि डिजिटल रिकॉर्ड्स, जैसे कि फोटो भी हो या तो फिर डॉक्यूमेंट्स हो, उसको ब्लॉकचेन के थ्रू रखने की कोशिश कर रही है। तो दोनों ही कमर्शलाइजेशन के वर्ज पे ही है। आपके साथियों में से कोई अगर कुछ कहना चाहता हो, बताना चाहता हो। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं राहुल सिंघल, मैं एप्लॉप से हूँ। एप्लॉप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ उद्योगपतियों को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो मोबाइल ऐप बना सकते हैं अपना चंद सेकंडों में। ऐसा मोबाइल ऐप जो जिनको बनाने में महीनों लगते हैं, वो हम सेकंड्स में बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम। अभी तक हमने 2.5 साल की जर्नी में अपने 6 लाख से ऊपर मोबाइल ऐप बनाए हैं। हम स्टार्टअप इंडिया हब के एक रिसोर्स पार्टनर के रूप में 10,000 स्टार्टअप्स की मदद भी कर चुके हैं, जो अपने आइडिया को प्रोटोटाइप करते हैं, फटाफट अपना मोबाइल ऐप बनाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, देखते हैं वाइबल है कि नहीं, यूज करवाते हैं और नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं उसको। क्या अनुभव आता है आपने इतनी सारी मात्रा में और इतने बड़े स्पीड से ऐप बनाने वाली दुनिया खड़ी कर दी है, तो क्या आपको अनुभव? सर ये है कि मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। 2007-08 में भी मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था। उस समय
का दौर और आज के दौर पे बोल सकता हूँ कि उस समय स्टार्टअप का दौर नहीं था, कोई सपोर्ट गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट चीज नहीं थी, आज सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, इसका फायदा हमको मिल रहा है। अगर मैं देखूँ लोगों के बीच में स्टार्टअप्स के लिए एक रुझान है कि स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, हमारी टीम छोटी है, 11 लोगों की टीम है हमारी, लेकिन 6 लाख मोबाइल ऐप से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने लाखों युवाओं को खड़ा किया है कि वो अपना व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो एक हमारे लिए उपलब्धि है जब देखते हैं, जब लोग मेरे से मिलते हैं। गुजरात में गुपचुप वाला है, उसने अपना एक मोबाइल ऐप बनाया जो कि अब ऑनलाइन बुकिंग करता है शादी ब्याह के लिए, गुपचुप बेचता है मोबाइल ऐप से। फोन आते हैं लोगों के, थैंक यू बोलते हैं कि भाई मैं पहले कुछ 1000 रुपए 2000 रुपए कमा रहा था, आज लाखों रुपए साल के कमा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ एक है कि रूरल इंडिया ही, रूरल इंडिया जो है। राहुल, आपने आपने इतना बढ़िया काम किया है और सबसे मुझे जो मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपने किया है, और एक प्रकार से आप किसी को भी आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा कैटेलिक एजेंट का रोल कर रहे हैं। क्या आप एक काम कर सकते हैं क्या? जी सर। देखिए, मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो हैंडीक्राफ्ट की दुनिया है और जो ट्राइबल लोगों के पास जो आर्ट है, अपने आप में अद्भुत है जी। क्या आप उनके लोगों के लिए एक चैरिटी के तहत, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ऐप के माध्यम से ग्लोबल मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट के लिए, उस दिशा में कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या, और ऐसा करने वाले लोग जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। देखिए, गरीब आदिवासियों के आशीर्वाद मिलेंगे आपको, और मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी बेल्ट के लोग हैं, इतना इनोवेटिव है, इतने आर्ट कल्चर में इतनी ताकत है उनकी, यानी बहुत कुछ दुनिया को दे सकते हैं। मैं जब गुजरात में था तो मैंने छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोगों ने एक सिंगल पीस लकड़ी से बड़ा बुद्ध बनाया था, मैंने देखा, तो मैं उसको मेरे यहाँ ले गया था और मेरे कमरे में रखता था। इतना बड़ा प्रभावी काम करते हैं ये लोग, उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म आप दे सकते हैं आपके इस ऐप के माध्यम से। करेंगे राहुल? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा सर। चलिए दोस्तों, मैं एक और अटल इंक्यूबेशन सेंटर हमसे बात करना चाह रहा है, राजस्थान से वनस्थली विद्यापीठ टोंक, बताइए। नमस्कार साहब, मेरा नाम अभिषेक पारिक है, मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर वनस्थली विद्यापीठ का पार्ट हूँ। परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, संपूर्ण वनस्थली विद्यापीठ परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत 1935 में, वो सारी मुझे जानकारी है भाई, उस चक्कर में मत पड़ो, अभी क्या कर रहे हो बताइए। अच्छा, सो अटल इंक्यूबेशन सेंटर वनस्थली विद्यापीठ एक अनोखा इंक्यूबेशन सेंटर है इंडिया में, जो केवल महिलाओं पे फोकस कर रहा है, और हमारे पास में 2 प्रोग्राम है जिसमें हम करीबन 27 महिला स्टार्टअप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनके, हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास लैब्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत अच्छा मेंटर पूल है इंडस्ट्री का, सीनियर मेंटर्स का। हम उनको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं और काफी अच्छा हम उनके साथ में काम कर रहे हैं, और हमारी महिलाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइवलीहुड, वाटर सैनिटेशन सभी एरियाज में काम कर रही है। आपकी आज्ञा से हमारी कुछ हाँ मुझे बताइए। हाँ बताइए। आपकी आज्ञा से हमारी कुछ महिलाएं अपने कुछ उल्लेखनीय कार्यों के बारे में आपको बताएंगी। बताइए बताइए बताइए। I'm Ovi Yapto and my co-founder Daya Shankar from Aho Sutra. We provide custom-made furniture by bringing local artisans. We translate modern designs and give it to local artisans, and we revive the business to the system. Already you have got the market, or just you are doing some experiments? No, we are in the market already. We are operating in 20 cities across India. Mm-hmm. Anyone else? Yeah, so sir, hi sir, I am Anu and my co-founder Payal. So we are working on idea AgroWave, where we are optimizing Indian agriculture supply chain of fruits and vegetables using research, analytics and technology. So we have a mobile app in Hindi language for farmers, and they can sell their fruits and vegetables directly to businesses, and they can get 20% better prices for their produce. So currently we are working with 500 farmers and 200 plus businesses, and we are using artificial intelligence to check the quality and to map the prediction and demand using machine learning models. So we are able to basically map the prediction and demand for onion and potato as of now, and we are able to reduce the wastage which is there in the industry. So we are able to reduce that by 5%. नहीं, जहाँ आपकी ये सारी व्यवस्थाएं पहुंची हैं, जिन तक पहुंची हैं, आपको क्या लगता है कि उनको किस प्रकार से बदलाव आ रहा है?
सर जो फार्मर्स है उनको तो हम लोग जैसे उनको अभी क्या करना पड़ता है, उनको मंडी जाना पड़ता है सेल करने के लिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन हायर करना पड़ता है और उनको बायर भी ढूंढना पड़ता है, उनके पास बायर नहीं होता है। और पहले ग्रो करने के लिए उनको ये भी नहीं पता होता कि मैं क्या ग्रो करूँ, कितना करूँ, ग्रो करूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, उनको देखें प्री बुक कि अगर वो पहले ग्रो करे पटेटो ग्रो करे तो वो हमारी ऐप पे विच इज टू क्लिक ऐप, तो वो फीड कर सकते हैं कि मैं इतना पोटैटो ग्रो कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी का ग्रो कर रहा हूँ, इस डेट में मैं बेचना चाहूंगा और इस रेट में बेचना चाहूंगा, और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो हम उनके जहाँ पे खेत है वहीं पे हम ट्रांसपोर्टेशन और सब कुछ पहुंचा देते हैं और वहां से हम खरीदवा लेते हैं और बिजनेसेस को हम लोग सप्लाई करते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। नौजवानों, आपने भी सुना होगा वनस्थली विद्यापीठ के लोगों ने किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और मौजूदा इंक्यूबेटरों का विस्तार किया जा रहा है। कई IIM, IIT और NITs में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटरों यानी TBI की स्थापना की जा रही है, ताकि शिक्षा और उद्योग को हम आपस में जोड़ सकें। जो ग्रीन फील्ड इंक्यूबेटर स्थापित करना चाहते हैं या फिर पहले से ही ये काम कर रहे हैं, उनके लिए 10 करोड़ तक की आर्थिक मदद का प्रावधान किया जा रहा है। अभी तक 19 इंक्यूबेटर्स चुने जा चुके हैं और इस वित्त वर्ष के आखिर तक 50 से अधिक लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री के अंतर्गत शिक्षा और उद्योग के बीच इंक्यूबेशन और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए 8 रिसर्च पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये 8 रिसर्च पार्क्स IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IISc बेंगलोर और IIT गांधीनगर में स्थापित किए जा रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए आज देश भर के स्कूलों में इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सिर्फ मॉनेटरी हेल्प ही नहीं बल्कि लोगों के माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। कम उम्र में ही इनोवेशन का माइंडसेट तैयार करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। अब तक देश भर के 2,500 टिंकरिंग लैब्स बनाए जा रहे हैं, जहां विभिन्न टूल्स, इक्विपमेंट्स और कंसेप्ट से बच्चों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब हम 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों पर फोकस करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने आसपास की कम्युनिटी को आने वाली दिक्कतों के समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार हर स्कूल में एक साइंस लैब होती है, वैसे ही अटल टिंकरिंग लैब धीरे धीरे करते देश की सभी स्कूलों में निर्माण हो। हम लोग चलते हैं तूतुकुड़ी, जहाँ के हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही इस टिंकरिंग लैब का उपयोग करके नई नई चीजें देश के लिए बना रहे हैं। आइए बच्चों, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आई एम के जीविता बेतलक्ष्मी एंड आई एम डूइंग माय 10th इन सुबैया विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आवर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ स्मॉल कोस्टल टाउन नेम्ड टूटुकुड़ी इन तमिलनाडु, वेयर स्टूडेंट्स हैव नेवर सीन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। वी स्टूडेंट्स ओनली गेट द अपॉर्चुनिटी व्हेन वी परस्यू इंजीनियरिंग, बट दिस अटल टिंकरिंग लैब provides us a chance to tinker and innovate with various equipments available.
we students would like to grab these opportunities with both our hands, and we use Atal Labs to full capacity. We have designed our innovation in the field of automatic irrigation system powered by solar panels. So how I got this idea is, as we are living in a remote location, we face scarcity of water and electricity on a regular basis. So we students got together and thought of all possible solutions for this problem. So we realized that we had started using solar panels for supplementing our electricity needs. And we wonder if we could do the same in managing our water needs, especially in farms and fields. So we thought of making a solar-based system which could control the irrigation system for fields so as to prevent the wastage of water. So we made a successful prototype and then tested it in our school, where it worked flawlessly. We have been very proud for making this innovation, and we can create many more. So these Atal Labs are beneficial not only students but also for teachers. And this automatic irrigation system uses soil moisture sensors all across the field and supplies water at dedicated places as per the requirement, thereby preventing water wastage. So we are eagerly waiting to convert our imagination innovation into product with student innovator program of NITI Aayog. And since this equipments are very cost effective, less cost, farmers can offer this too, and it will be very beneficial to the farmers. And I also have a request for you, sir. Please kindly come and visit our Atal Lab. We are eagerly waiting to see you. Thank you, sir. Thank you for your invitation, and vanakkam to everybody. Vanakkam, sir. Vanakkam. What is your name, beta? KG Vita Betu Lakshmi. So now farmers are familiar with your research? Yes, sir. We went to a village near Palayam Kotai. So we explained our project to them, and also we showed a demo to them. So they also wanted this to make this prototype into big application, and they want this project to be soon applied there. Because of this great achievement and at such a young age, how your teachers are feeling, the school environment after this Atal Tinkering Lab, what type of change you people are feeling? Otherwise, previously, only books and the lab and the sports, nothing else. Now some innovations are there. How do you feel? I feel really great, and I'm very lucky, and I hope I deserve it. So not only me, but also many students, thousands of students are involved in this Atal Lab. We have two periods every week. We attend here. We do. Our teachers are very helpful to convert our imagination, our innovation into product. They help us a lot. And sometimes those who are not interested in regular education or mathematics, history, geography, they are not interested. But they have a special type of acumen, and they can do this type of things. Are there any students, those who are not good in school education system, but they are very good in this innovation activity? Are they coming forward? Yes, sir, they are coming forward. Great. So congratulations to you, and thank you for your invitation. Whenever I'll get chance, thanks, I'll be happy to come, and I'll see all of you. And I must give you congratulations to you and your teachers and the management. You all do something good for our country. Thank you. Now let us move to Goa. Haan, bataiye. Namaste, sir. Namaskar. Sir, I am Nidhi Thakur from Dr. K.B. Hedgewar High School, ATL, Goa. First of all, I would like to thank you for giving us this big opportunity to interact with you, and we are overwhelmed to do so. Sir, we learn a lot of things in ATL, like IoT, that is Internet of Things, 3D printing, and basic programming concepts also. I can say that ATL is a golden opportunity for all of us, of which we are trying to make best use,
And ATL also encourages us to think out of the box, and it has changed our mindsets to be more innovative. So thank you very much, sir. Namaste, Pradhan Mantri ji. Namaste. My name is Sarat Paligeri, and this is a project, Smart Headlights for Vehicles. Namaste, sir. My name is Sumit Prabhudesai, and this is our prototype. और जैसे आपको पता है कि रात को जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर हमारे सामने जो गाड़ी आती है वो उसका हेडलाइट हमारे आंखों पर गिरता है और उसकी वजह से हम ठीक से देख नहीं पाते रास्ता वगैरह और ज्यादा कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं. तो हमने इसका समाधान ढूंढने के लिए एक डिवाइस बनाया जो कि जब हमारे गाड़ी में फिट होगा तब सामने वाली जो गाड़ी का हेडलाइट होगा जब हमारे गाड़ी के हेडलाइट पर गिरेगा तब ऑटोमेटिकली हमारे गाड़ी का हेडलाइट फुल मोड से डिपर मोड में जाएगा. सो देयर इज अ सेंसर, देयर इज अ सेंसर ऑन द सिस्टम. यस सर, देयर इज अ एलडीआर सेंसर व्हिच इज राइट फिटेड अंडर द ग्रिल ऑफ अ कार और अ स्कूटर. सो इफ द सेम डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन बोथ द व्हीकल्स और इवन इंस्टॉल्ड इन ऑल द व्हीकल्स अक्रॉस इंडिया, then when we drive at night we could easily safe drive and also accidents will not happen. So and I'm very thankful to AIM so that we could take our project to a product level and we are also soon going to start our startup. ek main naya ek kaam deta hu, aap log zara dimag khapaiye. dekhiye hamare yahan samne se gaadi aati hai to wo to ek accident ka prakar hai aur usme raat ke samay lighting ke karan wo apne acche dhang se bataya. लेकिन जब गाड़ी चलती है और उसके पीछे बैक में लाइट नहीं है और पीछे से कोई गाड़ी आती है, उसको पता नहीं है कि आगे व्हीकल जा रहा है और वो ठोक देता है. कभी कोई गाड़ी बाहर खड़ी है और ऐसे ही कोई व्हीकल जाता है तो उसके साथ टकरा जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है. जिसकी व्हीकल के पीछे लाइट नहीं है लेकिन दूसरा लाइट वाला आता है और उसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो तुरंत उसको आगे की कोई सिर्फ रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं, समथिंग मोर देन दैट. क्या आप लोग इस पर कुछ सोच सकते हैं, कभी दिमाग खपा सकते हैं? सो वी कैन हैव अ डिवाइस लाइक विच कुड इजीली टेल द बैक कार दैट द फ्रंट कार हैज स्टॉप्ड और समथिंग. अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए, आप लोग अपना टिंकरिंग लैब के अंदर और कोशिश कीजिए, नई नई चीजें खोजिए. आप ये सब कर रहे हैं तो घर में नाराज हो जाते होंगे, ये क्या लेकर के बैठे हो, पढ़ते नहीं हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हो, ये अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, ये छोटे बच्चों की तरह खिलौने लेकर के क्यों बैठ जाते हो, घर में नाराज नहीं होते? होते हैं, पर जब उनको पता चलता है, जब अभी उन्हें पता चला है कि हमारा प्रोजेक्ट अभी बहुत इतने स्तर पर गया है कि अभी हम स्टार्टअप के हैं, पर अभी वो नाराज नहीं है. अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे. गोवा के इस नौजवानों ने बहुत अच्छा चिंता की है, एक्सीडेंट से लोगों को बचाने की चिंता की है, यानी समाज की समस्या की तरफ उनका ध्यान गया और अपनी लेबोरेटरी में सॉल्यूशन खोजने का प्रयास किया. देखिए मेरे देशवासियों, मेरे देश के छोटे छोटे बच्चे. Behalf of Dr. KB Hedgewar High School ATL and the students of Goa, I would request you to please visit our ATL lab and thank see you, the work thank that you, doing thank you for your invitation. मैं कभी आऊंगा. आइए हम अमृतसर चलते हैं, DAV Public School. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं स्नेहाशीष रॉय, DAV अमृतसर ATL lab की तरफ से आपको सादर प्रणाम करना चाहूंगा. स्वतंत्रता के बाद से देश के कई महापुरुषों ने, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात पर जोर डाला है कि किसान और सैनिकों का विकास विकास जब होगा तभी देश का विकास होगा. और मेरे ख्याल से आज के समय में इस बात पर सबसे ज्यादा दबाव आपने ही डाला है कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक देशवासियों का विकास ना हो. तो आपको और आपकी इसी सोच को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए कि हमारे लैब में मैं और मेरे सहपाठी इस कई रचनाओं का निर्माण करते हैं. क्या क्या शुभ नाम आपका? स्नेहाशीष. आशीष,
जी सर, स्नेहाशीष। अच्छा, आप लीडर हैं क्या? वहाँ चुनाव उनाव लड़ते हैं स्कूल में? भाषण भाषण बहुत बढ़िया करते हो भाई। थैंक यू सर। आपसे बेटर कोई रोल मॉडल नहीं है मेरे लिए। अच्छा बताइए, वो क्या किया है आपने? आपने क्या नया इनोवेशन किया, मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अतिक शर्मा एंड दिस इज माय टीम कुवम देवगन एंड ऋषभ अग्रवाल एंड हमने मिलकर एक किसानों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, स्मार्ट ग्रेनरी सिस्टम, जिसके थ्रू पोस्ट हार्वेस्ट की जो लॉसेस है वो रिड्यूस किए जा सके। और अब मेरा दोस्त कुवम देवगन आपको इसके बारे में और बताएगा। बताओ। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज कुवम देवगन। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं और इसको जो है इंडिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। सो यहाँ पे मेजर जॉब जो है लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर में है। सो हम न्यूज में रोज सुनते हैं कि फार्मर्स जो है फार्मर्स को काफी नुकसान होता है ड्यू टू सिंपल फैक्ट कि सर उनके पास ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि ग्रेन को जो है सेफ रख सके। हमने इसका एक संविधान निकाला है। हमने एक सिंपल सेंसर्स का सिस्टम डिजाइन किया है जो कि ग्रेन्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है और उसकी लाइव इंफॉर्मेशन एक फोन ऐप के द्वारा फार्मर को पहुंचाता है। हमारे सिस्टम में बेसिकली 3 सेंसर्स हैं। एक टेम्परेचर सेंसर है जो कि लाइव टेम्परेचर ग्रेन का फार्मर को दिखाता है। उसके साथ ही एक ह्यूमिडिटी सेंसर है जो कि ग्रेन का मॉइस्चर लेवल कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके फार्मर को इंफॉर्मेशन देता है। उसके साथ ही हमने एक मोशन सेंसर भी इंप्लीमेंट किया है जो कि कोई भी रोडेंट एक्टिविटी को डिटेक्ट करके फार्मर को आगाह कर सकता है कि ग्रेनरी में जो है रोडेंट अटैक हुआ है। Now my friend Rishabh Agarwal will explain another innovation he has made himself. Good morning, sir. My name is Rishabh Agarwal and I have made this innovation that is a smart stick named Asra that full form is affordable smart access for rescue of the aged. This is a handle which can be attached to any stick. This has a special SMS button attached to it. When this button is pressed, there is a SMS that is received on the doctor's mobile that so and so person needs medical help. I am working to take it further to provide GPS location as well as calling functionality. So हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप कुछ और सवाल जवाब। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने। देखिए, हमारे देश में एक जुगाड़ शब्द चलता है। ये जुगाड़ शब्द का जन्म पंजाब में हुआ। पंजाब के लोग खेती करते होंगे तो भी टेक्नोलॉजी के संबंध में बड़े टैलेंटेड होते हैं। वो 2-4 चीज़ों को जोड़ करके एक नई चीज़ बना देते हैं और हर चीज़ में वो जुगाड़ से अपना काम चला लेते हैं। कोई बाहर वाला आता है, देखता है तो उनको आश्चर्य होता है कि खेत में उन्होंने कैसे खड़ा किया है। और वो किसी का टायर, किसी का ट्यूब, किसी का डिकना, किसी का फलाना, और कोई नई चीज़ बना देते हैं। आपने उस जुगाड़ की जो टैलेंट पड़ी थी उसको आपने इनोवेशन में ढाल दिया, आधुनिक ऐप के साथ जोड़ दिया। और मुझे खुशी ये हुई कि आप अमृतसर शहर में रहते हैं, पंजाब गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, अन्न भंडार एक सबसे बड़ी व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से कैसे इनोवेट किया जाए, हमारे किसान की पैदावार का नुकसान कम कैसे हो, उसका टेक्नोलॉजी के माध्यम से भंडारण की व्यवस्था कैसे की जाए, इतना बढ़िया काम आपने सोचा, आपने मेडिकल डिवाइस की दिशा में सोचा। मैं सचमुच में आपकी पूरी टीम को और आपके स्कूल के टीचर्स को, मैनेजमेंट को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारी नई पीढ़ी का ये सोचना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका हौसला, आपका जज्बा और आगे बढ़े, देश को आगे ले जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटी, कुछ कहना चाहती हो? जी सर, हम आपके इंतजार में हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी लैब में आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। चलिए, आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देखिए कोशिश करूंगा कभी मौका मिल जाए।
जरूर आऊंगा. थैंक यू. स्मार्ट अन्न भंडार, ये अपने आप में विचार आना, और ये जब मैं आपसे सुन रहा हूं तो मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है. आज हम सबके बीच इनोवेटर्स की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है. क्यों ना हम एक पहल करें, आपके आसपास कोई ग्रास रूट इनोवेटर्स हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके ध्यान में हो जिसने किसी चुनौती का कुछ इनोवेटिव हल निकाला हो, कुछ नया किया हो, आप उसकी स्टोरीज पूरे देश के साथ शेयर कीजिए. हैशटैग इनोवेटिव इंडिया के साथ, हैशटैग इनोवेट इंडिया. मैं चाहूंगा कि आप सब इसको लिख कर रखिए, हैशटैग इनोवेट इंडिया. इससे क्या होगा कि बहुत लोग हैं अपने तरीके से, बहुत चीजें, इवन घर में कुछ महिलाएं सब्जी काटने के अपने तरीके डेवलप कर लेती है, अब ये इनोवेशन है. कुछ महिलाएं घर में बच्चा सोता है उसको कोई घंटी बजानी है तो ऐसी एक रस्सी बांध देती हैं ताकि वो बच्चे को घंटी बजती रहती है और बच्चा सो जाता है. आइडिया नए नए लोगों के पास होते हैं. मैं चाहता हूं आपको जो भी ऐसी छोटी मोटी चीजें आती हैं, देश में एक मूवमेंट हम बनाए. आपके पास भी कोई आइडिया हो सकता है, कोई इन्वेंशन हो तो उसके बारे में भी बताइए. हैशटैग इनोवेट इंडिया के साथ आइए, हम सब इनोवेटिव इंडिया को एक मास मूवमेंट बना दें. और मेरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि स्टार्टअप्स भविष्य में ग्रोथ इंजन के रूप में और इनोवेशन की शक्ति को बढ़ाने में, शक्ति को दिखाने में एक बहुत बड़ा केंद्र से ये स्थान लेने वाले हैं. आज की कई बड़ी बड़ी कंपनियां कभी न कभी तो स्टार्टअप ही थी, वो एंटरप्राइज की भावना के साथ जन्मी थी और कठिन परिश्रम तथा दृढ़ता ने उन्हें जीवित रखा. आप लोगों को मालूम होगा जो हमारा इतने बड़े सैटेलाइट जाते हैं, स्पेस में काम होता है, लेकिन आप 50-60 पहले की उनकी फोटो देखेंगे तो एक मोटर के गैरेज में ये स्पेस सेंटर का काम शुरू हुआ था और साइकिल पर ले जाते थे, इसकी फोटो अवेलेबल है. लेकिन आज कहां से कहां पहुंच गए. और इसलिए मैं कहूंगा कि इनोवेशन करते रहिए, इनोवेशन से ही हमें तेजी से वृद्धि करने में मदद मिलेगी. याद रखिए, इनोवेट फॉर स्टैग्नेंट, इनोवेट और स्टैग्नेंट. अगर हम इनोवेट नहीं करेंगे, यदि हम उत्कृष्ट उत्पादों के साथ नहीं आएंगे तो फिर हम वहीं थम जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे. और रुकना ही एक प्रकार से पीछे जाने का द्वार हो जाता है. जब मैं कहता हूं कि भारत एक युवा राष्ट्र है तो इसका अर्थ होता है कि भारत अपार महत्वाकांक्षाओं का राष्ट्र है. नव विचारों, नव आविष्कारों, यही तो इस राष्ट्र की पहचान है. नव पथ पर चलकर सफलता तक पहुंचने को तत्पर राष्ट्र है. और देश के युवा इसे सिद्ध भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बालक सिद्ध कर रहे हैं. आज इस देश का युवा सशक्त बन रहा है, समर्थ बन रहा है, अपनी शक्ति, अपनी सोच, अपना कौशल और अपने इनोवेटिव आइडिया से वो आगे बढ़ रहा है. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है. जाने से पहले मैं आपसे एक वीडियो दिखाना चाहूंगा और उसके बाद आपसे नमस्कार करके आज का कार्यक्रम पूरा करूंगा. 2 मिनट और आपके साथ. देखो बेटा, ये स्टार्टअप वाटअप के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. पैसे कहां से आएंगे, रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, तुम सीधे सीधे जॉब क्यों नहीं कर लेते.
गवर्नमेंट से हमें काफी हेल्प मिली है स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज होने के बाद. हमें गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स मिले, पेटेंट पे हमें सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट, तो हमारी फीस वेव हो गई थी. और किताब में लिखा है वही पढ़ो, अपने आइडियाज अपने पास ही रखो. हाँ आइडियाज तो अच्छे हैं पर बेटा प्रैक्टिकल नहीं है. जो भी पहले सोचता था वो कागजों पर ही रह जाता था, पर इसके खुलने के बाद मैं जो भी सोचता हूँ मुझे उसको बनाने की एक जगह मिल गई है. बस ऐसी ही ढेर सारी नेगेटिविटीज को चकमा देकर हजारों युवा निकल पड़े हैं इनोवेशन की राह पर और अपने स्टार्टअप द्वारा बन रहे हैं जॉब मल्टीप्लायर. अब स्टार्टअप्स को न सिर्फ अप्रत्याशित सपोर्ट मिल रहा है बल्कि 3 साल तक का टैक्स बेनिफिट भी. देश भर के युवाओं के इनोवेशन और आइडियाज को बल देने के लिए देश के कोने कोने में खुल रहे हैं इनोवेशन लैब्स. चलो सही है देश में पहली बार इनोवेशन का कल्चर तो शुरू हुआ, सही है कि अपने बच्चे सिर्फ किताब से नहीं आइडियाज लगाकर भी पढ़ना सीख रहे हैं. ओ, हुनर का साथ निभाया, सपनों को सच कर दिखाया, मेहनत को दी साहस की ताकत, मिलकर नया सूरज उगाया. बात साफ है, एक एक युवा की शक्ति तरक्की में बदल रही है. अभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और खास करके स्कूल के बच्चों को बहुत प्यार, धन्यवाद. So there you heard Prime Minister Narendra Modi interacting with startup entrepreneurs from different parts of the country, from Bengaluru, from Raipur, from Rajasthan, from Guwahati, and he also interacted with school children in Amritsar as well as in Tamil Nadu. So the Prime Minister there is saying that India's biggest strength is its demographic dividend, because around 65% of India's population is less than 35 years of age. Towards the end, the Prime Minister gave the slogan, innovate or stagnate. He said, if we don't innovate, we will stagnate. He also appealed to people across the country to tell the whole India stories about grassroots innovators with hashtag Innovate India. So that is the hashtag that the Prime Minister has shared with the people of the country, and also the slogan Innovate or Stagnate. The Prime Minister said that on an average, a startup in India creates 12 jobs. He also said that startups are not just limited to tier 1 cities, but around 50% of startups are now coming up in tier 2 and tier 3 cities as well, that is in towns and villages. He said that around 45% of the startups are being run by women. He also spoke about the various tax benefits, the various patent subsidies that are being given to startup entrepreneurs. And in fact, the startup entrepreneurs that the PM interacted with were all praise for the Atal Innovation Mission, for the Startup India Mission, for the Fund of Funds. Because remember, the government has come up with a 10,000 crore rupees fund of funds for startup entrepreneurs that in turn will generate 1 lakh crore rupees of financial support to startup entrepreneurs. And the Prime Minister also spoke about the fact that Atal Tinkering Labs are being set up in schools, and that his government's mission is to set up one such Atal Tinkering Lab in every school across the country. He also spoke about Atal Incubation Centres that are being set up and the existing ones that are being expanded, 8 research parks that are being set up in IITs across the country. And the Prime Minister said that we wish to change mindsets, and that is why Atal Tinkering Labs are being set up.